ছিশগড বোলদবাজাৰ সতনামী সমাজৰ হিংসা প্ৰত্যাদ জিলাপাল পুলিচ অধীক্ষক কাৰ্যালয় নিৰা লগাই উত্ত্যক্ত লোকে জাতি শহশ বাইক আৰু কাৰ ব্য়পক ভুজা হৈছিল বোলদবাজাৰ সতনামী সমাজ পক্ষ বৃক্ষোভ প্ৰদৰ্শন বেলেগ বেপক লংকা ছিশগড়ৰ সতনামী সমাজ গেৰোদপুৰী ধামৰ পবিত্ৰ অমৰ গুমা নিকটে থকা জৈত খম্বৰে হৈ ভংগাৰুজা উৎক্ষিপ্ত তে কেতে অসামাজিক দ্বাৰা ঘটনা গত পৰ তাৰিখ ৰাতিৰে ঘটিছিল ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି খুব উৎপাত বলদ বলদবজার ভাটাপরার জোরদার বিরোধ করে এই সময় মধ্যে হিংসাৎক জনতা কলেকটর কার্যালয় এবং পুলিশ অধীক্ষক কার্যালয়ের নিয় লগাই এই কারণরু পরিসরের পার্কিং হয়ে শহ শহ মোটর এবং চারিচকি যান পোড়ি পাউস হয়ে যাই মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাই নির্দেশে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী বিজয় শর্মা ঠিক তদন্ত করা ঘোষণা করছেন বিভিন্ন সংগঠন তথা সতনাামী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দাবি উপরে তদন্ত হয়েছে एवं उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जे राज्यर राज्य को स्थान रे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़वा भली घटना को बर्दाश्त करा पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी उसके अलावा भी चार जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आ करके वो तोड़ दिए और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए हमारे अधिकारियों को भी चोट आई उसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़फोड़ जो है सिलेक्टेड परिसर में किया गया है आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं तो उनको भी उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है